दिल्ली के सराय काले खान इलाके में असम राइफल्स का एक जवान बिजली टावर पर चढ़ गया। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर वो इस कदर प्रदर्शन पर उतर आया। टावर से हाई वोल्टेज वायर गुजरने की वजह से एहतियातन पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद कर दी है। असम राइफल्स के इस जवान को टावर से उतारने के लिए पुलिस वाले भारी मशक्कत कर रहे हैं। टावर से ही इस जवान ने एक फाइल फेंकी है जिसमें उसने अपनी मांगे बताई। प्रधानमंत्री आवास के बाहर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सेवन आरसीआर के सामने सड़क पर ही ये प्रदर्शनकारी लौटने लगे। दरअसल ये लोग आरटीआई एक्ट में संशोधन करने की सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने पीएम आवास के बाहर जुटे थे। आरटीआई कार्यकर्ताओं और छात्रों का जत्था सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर जा धमका और नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यहां बेगमपुर इलाके में शीला दीक्षित एक सभा में पहुंची थी। सभा स्थल से कुछ दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले को घेर लिया और काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करने लगे। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यहां के बलकला गांव के ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। आगे आगे ग्रामीण भाग रहे थे तो पीछे पीछे पुलिस वाले खदेड़ रहे थे। अमृतसर के बलकला गांव में तो गदर ही मच गया। पुलिस की फायरिंग और पिटाई की वजह से दो ग्रामीण घायल भी हो गए। दरअसल रात में पुलिस की टीम सादी वर्दी में बलकला गांव आई थी। ग्रामीणों ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें हथियार मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। सुबह पुलिस गाड़ी लेने आई तो दोनों तरफ से घमासान मच गया। जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर के बेटे और कांग्रेस विधायक सालेह मोहम्मद पर पुलिस वालों के साथ मारपीट का केस दर्ज किया है। दरअसल फकीर का केस खुलवाने की वजह से एसपी का तबादला कर दिया गया था। उधर जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। जैसलमेर शहर में बंद का आयोजन किया गया। दुकानों का शटर गिरा रहा और बाजार बंद रहे। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन का मामला शांत भी नहीं हुआ था, जब राजस्थान में जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के ट्रांसफर के इस मामले ने तूल पकड़ा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े हिस्ट्री शीटर पर एसपी ने हाथ डाला तो उनका तबादला करवा दिया गया। दरअसल कांग्रेस के दबंग नेता गाजी फकीर का केस तीन बार पहले ही बंद हो चुका है। पंकज चौधरी ने केस को खुलवाया तो उनका ट्रांसफर किशनगढ़ कर दिया गया। एसपी पंकज चौधरी ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि गाजी फकीर की फाइल खुलवाने की वजह से उनका ट्रांसफर किया गया होगा। इट मे बी हिस्ट्री सीट ओपन करने के लिए आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री सीट ओपन करने के 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर हुआ है। इसको आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट आदेश है। गवर्नमेंट आदेश कभी भी आ सकता है, किसी टाइम से जोड़ने का उसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता गाजी फकीर सिंधी मुस्लिम समाज के तथाकथित धर्म गुरु माने जाते हैं। साल 65 से ही उन पर केस चल रहा है। उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने के आरोप हैं। गाजी परिवार की ओर से कहा गया है कि एसपी के तबादले से उनका कोई लेना देना नहीं है। गाजी के बेटे और कांग्रेस नेता अब्दुल फकीर ने कहा कि उनके पिता के खिलाफ सियासी साजिश की वजह से केस फिर से खुलवाया गया है और वो हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे। दुर्गा शक्ति मामले पर सोनिया गांधी की चिट्ठी से समाजवादी पार्टी बेहद नाराज है। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि मुलायम की पार्टी ने संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी की चिट्ठी को सियासत करार दिया है। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान हरियाणा में अफसरों पर हुए जुल्म पर चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जाती। अब मैं इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा मानता हूं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं इस मुद्दे पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूं। एक आईएएस अफसर हम लोगों की चर्चा का बिंदु नहीं होता कि देश में हजारों आईएएस अफसर हैं, वो किस किस को चर्चा का बिंदु बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा है कि सोनिया गांधी की चिट्ठी पर सवाल उठता है। उन्होंने कहा है कि चिट्ठी लिखकर वो अराजक अफसरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सोनिया जी को अपने स्तर से विचार करना चाहिए, उनकी स्तर की बात नहीं है। और उन्हें उत्तर प्रदेश में आईएएस के द्वारा अराजकता फैलाने की मतलब सही नहीं करना चाहिए।
आईएएस दुर्गा मामले पर सोनिया गांधी की पीएम को चिट्ठी पर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर राजस्थान और हरियाणा में अफसरों पर हो रही गलत कार्रवाई पर सोनिया चिट्ठी क्यों नहीं लिखती है। बेहतर तो होता कि उन्हें राजस्थान में जो कुछ अधिकारियों के साथ किया गया, जो कुछ हरियाणा में हुआ, उसके बारे में भी उनको बोलना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूछा है कि दुर्गा मामले में पीएम ने सोनिया गांधी की चिट्ठी आने का इंतजार क्यों किया। राजनाथ ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन तुरंत रद्द करने की मांग भी उठाई। दरअसल शनिवार को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा जैसे ईमानदार ऑफिसर को बेवजह परेशान न किया जाए। निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में सोनिया गांधी के दखल के बाद पीएमओ जागा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यूपी सरकार से जवाब मांगा गया। आगरा में दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम की अर्थी निकाली और नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजभवन में 6 मंत्रियों को राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने शपथ दिलाई। जेएमएम कोटे से साइमन मरांडी, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी और जयप्रकाश भाई पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि कांग्रेस से गीताश्री उराव और आरजेडी से सुरेश पासवान को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन सिर्फ गीताश्री उराव को ही मंत्री बनने का मौका मिला। दरअसल कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर मारामारी चल रही है और अब तक 3 और नाम तय नहीं हो पाए हैं। झारखंड में शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में एक दागी चेहरा भी शामिल है। आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुरेश पासवान पर हत्या की कोशिश का मामला कोर्ट में चल रहा है। हालांकि पासवान ने सफाई दी है कि गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पे हुई। बैठक में संसद के मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी की बैठक के बाद एनडीए की बैठक अभी शुरू हुई है। आडवाणी के घर पर ही ये बैठक चल रही है। जेडीयू के अलग होने के बाद एनडीए की ये पहली बैठक है जिसमें मानसून सत्र की रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है। सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार फूड सिक्योरिटी समेत कई अहम बिल पास कराने के फेर में है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल बेहद जरूरी है और इसे पास कराने में विपक्ष मदद करे। रिस्पेक्टफुली आस्क द ऑपोजिशन टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन पासिंग द एसेंशियल लेजिस्लेटिव वर्क व्हिच इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करके बताया कि किस पार्टी में कितने दागी सांसद विधायक हैं। उनके ट्वीट के मुताबिक सबसे ज्यादा शिवसेना में 31% दागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो पानी बिजली की काफी किल्लत रहा करती थी। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब बिजली और पानी की हालत सुधर गई है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरने के लिए पोस्टर का पैंतरा अपनाया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी बैनरों के जरिए शीला और सरकार की खामियां गिराने में जुट गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण में सीधी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का क्षेत्र रहा है। यह शिवराज की तैयारी इस बार कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सागर में कांग्रेस पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि कांग्रेस मायावी है जिसमें लड़ने की ताकत नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल में इंटर के छात्र छात्राओं को बांटने के लिए आए लैपटॉप प्रशासन की लापरवाही की वजह से पड़े पड़े खराब हो गए, जिसके बाद भी 29 जुलाई को शिवपाल यादव करीब 2300 लैपटॉप छात्रों को बांटकर चले गए। मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु में सस्ते खाने के लिए जगह जगह अम्मा कैंटीन खुलवाई है। यहां 1 रुपए में इडली और 5 रुपए में सांभर के साथ पोंगल मिलेगा। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील शिंदे का ऑपरेशन किया गया है। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि उन्हें 10 दिन तक अस्पताल में रहना होगा।
नरेंद्र मोदी समर्थकों ने बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोला। मिशन प्रोटेक्ट इंडिया के बैनर तले मोदी समर्थकों ने शत्रुघ्न सिन्हा का पुतला भी फूंका। नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का पार्टी के अंदर भी जमकर विरोध हो रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री और पार्टी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को सियासत ही छोड़ देनी चाहिए। मोदी की खिलाफत और नीतीश की तारीफ करने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर गाज गिर सकती है। पहले शत्रुघ्न पर कार्रवाई की मांग करने वाले पार्टी उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर ने अब कहा कि उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा का बढ़ता विरोध देखकर जेडीयू का मौका हाथ लग गया है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा को जेडीयू में आने का न्यौता भेजा है। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के लिए अपशब्द कहे। मध्य प्रदेश के सीहोर में सज्जन सिंह ने यह विवादित बयान दिया। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। सांसद आरोन शॉक ने मोदी को ईमानदार बताते हुए उनके राजकाज की तारीफ की। हाल ही में आरोन मोदी से मुलाकात करने भी आए थे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में मोदी सरकार पर हो रहे विपक्ष के हमलों का जोरदार जवाब देने को लेकर रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश के रीवा में सीएम की सभा के दौरान अफरा तफरी मच गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ के बीच से उठकर एक लड़की मंच पर पहुंच गई और उसने राज्य के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पैर पकड़ लिए। सुरक्षा घेरे को तोड़कर मंच पर पहुंची लड़की ने सीएम को नसीहत देनी शुरू कर दी। इस लड़की ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की हालत और दुरुस्त की जाए। अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में सोमवार को धरने का कार्यक्रम रखा गया है। धरने में शामिल होने के लिए नागपुर से भारी तादाद में लोग विदर्भ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। आज यहां कोर्ट के बाहर जीजेएम समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बिजनौर की पौष कॉलोनी रामलीला इलाके में लोगों ने दो लड़कों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों के मुताबिक दोनों चोरी के इरादे से घर में घुस गए थे, जहां इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कानपुर के करही इलाके में लड़के के लापता होने पर जमकर बवाल हुआ। इलाके के लोगों ने थाने का घेराव करके जमकर हंगामा किया। पानी से भरे पुल को पार करने पर एक शख्स को पास खड़ी पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में इससे थोड़ी देर पहले यहीं से सूबे के मुख्यमंत्री का काफिला भी गुजरा था, तो इन्हीं पुलिस वालों ने नियम की अनदेखी की थी। बिहार में एक बार फिर नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। औरंगाबाद के खुदवा में नक्सलियों ने बम से एक थाने की बिल्डिंग को उड़ा दिया। फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 1.5 करोड़ रुपए ठगने वाले 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 18 जुलाई को इन लोगों ने मयूर विहार में चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये रुपए ठगे थे। दिल्ली में राजधानी एक्सप्रेस से तस्करी के चांदी की बड़ी खेप बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से 800 किलोग्राम चांदी को जब्त किया। सियाराम ग्रुप की बहू विहारी पोद्दार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने करोड़ों के गहने के साथ विहारी को पकड़ा था। सिंगापुर से आ रही विहारी 2.5 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात कपड़ों में छिपाकर ला रही थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वर्धा नदी की बाढ़ से 50,000 से ज्यादा की आबादी बड़ी मुश्किल में है। चंद्रपुर में शहर के कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। लोग घरों की छतों पर आसरा लिए हुए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को बोट की मदद से सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। यूपी के चंदौली में गंगा उफान पर है। गंगा के किनारे बसे 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की वजह से डूबने के कगार पर।
वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बसे घर डूबने लगे हैं। फसलें और घर बर्बाद होने के बाद लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। यूपी के बलिया में बाढ़ राहत सामग्री की लूटपाट शुरू हो गई है। बलिया के दोबहरे इलाके में बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचे सामान पर बाढ़ पीड़ित प्रशासन के सामने ही टूट पड़े। गुजरात के खेड़ा जिले में वना कबोरी डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। हरियाणा के मानेसर में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। छत पर सो रही लड़की से रेप के आरोप में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक मौलवी पर लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया। पुलिस ने गुजरात से 8 जुलाई को अगवा हुई लड़की को बरामद कर लिया है। पटना में पुलिस ने एक ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक पर झाड़ फूंक के नाम पर एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है। यूपी की मथुरा पुलिस पर रामू नाम के एक शख्स की आंखें फोड़ने का आरोप लगा है। रामू की गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी मोटरसाइकिल गलत जगह पार्क कर दी थी। यूपी के हाथरस में बदमाशों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई और 5 लोगों को पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। हरियाणा के नरवाना में मामूली बात पर 3 सगे भाइयों की हत्या से हड़कंप मच गया। खेत में काम करते वक्त आरोपी चचेरे भाई 3 भाइयों की हत्या कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के गया में आकाशीय बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। बदायूं के आंवला रोड पर हुए एक सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई है। इस हादसे से गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क जाम की और हंगामा किया। बिहार में गया के एक गांव में बदमाशों ने एक चौकीदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। चौकीदार को 3 गोलियां लगी, उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में एक लड़की ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। अपने प्रेमी से परेशान होकर लड़की ने यह कदम उठाया। एमपी के जबलपुर में आग से झुलसने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। मुंबई से सटे मीरा रोड के साईं बाबा नगर में एक महिला ने अपने 2 मासूमों को मौत के घाट उतारकर खुदकुशी कर ली। पानी के टब में डुबोकर अपने 2 बच्चों को मारने के बाद उसने खुद पंखे से लटक कर जान दे दी। कन्नौज में एक अच्छा बनियान गिरोह का कहर सामने आया है। इस गिरोह ने सदर कोतवाली इलाके के निवासीपुर गांव के एक घर में धावा बोलकर लूटपाट की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 4 खूंखार कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। मामला होशंगाबाद की पिपरिया उप जेल का है। यहां कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। रात करीब 1 बजे हादसा हुआ। इमारत गिरने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग गई। दिल्ली के बाद मुंबई में भी पुलिस ने बाइकर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार की देर रात पुलिस ने अभियान चलाकर स्टंट कर रहे कई बाइकर्स को पकड़ लिया। उत्तरकाशी में सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों पर आपदा राहत लिखे हुए पैकेट बेचे जाने से लोगों में काफी गुस्सा है। बिहार में कटिहार के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हैंडपंप में जहर होने की खबर फैली। हैंडपंप से नीला पानी निकलता देख स्कूल में खाना बनाने वाली महिला ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। छपरा मिड डे मील मामले में पटना के अस्पताल में भर्ती 15 बच्चों को छुट्टी मिली थी, लेकिन छपरा सिविल सर्जन ने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर बच्चों को ले जाने से इंकार कर दिया। बदायूं के सहसवान में 15 दिन के अंदर डायरिया की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। यहां के लोगों का कहना है कि इतनी मौत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। यूपी के देवरिया में अंधविश्वास का अजीब ड्रामा देखने को मिला। यहां एक पिता ने मरे हुए मासूम के शव को कब्रिस्तान से निकलवा लिया और तांत्रिक को बुलाकर उसे जिंदा करने का ड्रामा किया। कानपुर देहात में जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी के पति लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि उर्मिला देवी का ज्यादातर कामकाज भी उनके पति ही देखते हैं। हरियाणा के कैथल में रहने वाली एक छात्रा पूनम ढुल को अमेरिका की साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने केमिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए $50,000 की स्कॉलरशिप दी है। राजस्थान के दौसा में एक मां अपनी 2 साल की बेटी को बस में छोड़कर फरार हो गई। खबर मिलने के बाद पुलिस बच्ची को थाने ले आई है। महिला कांस्टेबल बच्ची की देखभाल कर रही है।